हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और इश्मिक हार्ट डिजीज। तो हमने बोला था इश्मिक हार्ट डिजीजेस आर रेफर्ड टू एज वो डिजीजेस इन विच देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियम और मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, विच रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ हार्ट और फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू कंट्रैक्ट। नाउ काजेज में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कॉरोनरी आर्टरी में एथेरोमा डिपॉजिट होता है, और इस एथेरोमा में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टेबल एथेरोमा। स्टेबल एथेरोमाज में हमने पढ़ा था कि इनकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स द रप्चर बहुत कम होती है, और इनका जो फिब्रस कैप्स्यूल होता है, कवरिंग होती है, दैट्स वेरी थिक, दैट मींस दे आर देयर एंड दे हैव लीस्ट चांस ऑफ रप्चरिंग। नाउ सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे अनस्टेबल एथेरोमा, और अनस्टेबल एथेरोमा क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एथेरोमा और डिपोजिशन। ये कोरोनरी आर्टरी में एक ऐसी डिपोजिशन होती है जो कि कभी भी रप्चर हो सकती है, मतलब इसके कंटेंट जो है वो बाहर आ सकते हैं, रप्चर हो सकती है और थ्रॉम्बस फॉर्मेशन कर सकती है, यानी ब्लॉकेज कर सकती है, मतलब ये स्टेबल से खतरनाक हो सकता है। कौन सा वाला एथेरोमा? अनस्टेबल एथेरोमा। अब ये रप्चर क्यों होगा? क्योंकि हमने कंपोजिशन में पढ़ा था यहाँ पे लोन सेल्स या फैटी सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो फैटी सेल्स की कंपोजिशन है वो इंक्रीज्ड है। अगर हम अनस्टेबल एथेरोमा की बात करें तो इसमें फैटी सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेबल एथेरोमा। सेकंड थिंग इज यहाँ पे मैक्रोफाजेस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो मैक्रोफाजेस का काम ये है कि एनगल्फ करना, तो ये ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, ये जो मैक्रोफाजेस यहाँ पे है इनकी टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी टुवर्ड्स रप्चरिंग दिस वॉल, इसलिए यहाँ के कंटेंट्स बाहर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड, जो इसमें फाइब्रस कवरिंग होती है, एनकैप्सुलेशन होती है, दैट्स वेरी थिन, और अगर ये एनकैप्सुलेशन थिन है तो इस एनकैप्सुलेशन का रप्चर का चांसेस ज्यादा है। तो दूसरा टाइप ऑफ एथेरोमा कौन सा है? अनस्टेबल एथेरोमा। अनस्टेबल एथेरोमा इज अ डिपोजिशन ऑन द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी विच हैज मोर टेंडेंसी टू रप्चर, जिसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें फैटी सेल्स ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैक्रोफाजेस की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका जो फाइब्रस कैप्सुलेशन है वो बहुत थिन है, और अगर ये सारे फैक्टर्स इसमें है तो ये रप्चर बहुत ज्यादा हो सकता है और स्प्लिट अवे हो सकता है और ये क्लॉग या थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से पेन होने के चांसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्रैक्शन के चांसेस ज्यादा है और जिसकी सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है। नाउ इसका जो रप्चर है वो दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट इज इरोजन, फिशरिंग एंड सेकंड इज फिशरिंग। इरोजन में क्या होता है? इसका जो फिब्रस लेयर होता है, इसकी जो फिब्रस कवरिंग होती है, इसकी जो कैप्स्यूल होता है, कोटिंग होती है, वो डिप्लीट होना या इरोड होना स्टार्ट होती है अंदर वाली मैक्रोफाज एक्टिविटी से। तो दिस फिब्रस कवरिंग इरोड्स, और जब फिब्रस कवरिंग इरोड हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंदर वाले जो कंटेंट्स है, जो अंदर फैटी कंटेंट्स है, सेल्स है, फाइबर्स है, जो हमने पढ़ा था, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो एक्सपोज ऑफ हो जाएंगे, और ये बन जाएगा साइट, और ये बन जाएगा साइट प्लेटलेट बाइंडिंग के लिए। आपको पता है कि जो वाला साइड रोड होता है जहाँ पे कंटेंट विजिबल होते हैं, वहां पे प्लेटलेट्स की एफिनिटी टू बाइंड ज्यादा हो जाएगी। दिस साइट विल शो ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर प्लेटलेट्स टू बाइंड। सो हियर प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एडिशन विल ऑकर। सेकंड इज फिशरिंग। फिशरिंग मींस अगर ये डिप्लीशन ज्यादा है, अगर ये प्रोट्रूशन ज्यादा है, अगर अंदर के कंटेंट बाहर आ रहे, तो उस केस को हम बोलते हैं दिस इज अ फिशरिंग। और जो हम पहले पढ़ते हैं डिप्लीशन या इरोजन, इसमें क्या होता है? सिंपली दिस फिब्रस लेयर जो है, जो आउटर कवरिंग है, वो डिप्लीट हो रही है, स्लोली
इरोड ऑफ हो रही है, और जब वो इरोड ऑफ हो रही है वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर रही है, वो प्लेटलेट्स को अरेक्ट कर रही है, तो प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वो एक एग्रीगेट बना रहे हैं, इस क्लॉट पे एक एग्रीगेट बना रहे हैं, मतलब ब्लॉकेज को वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, जब ये एग्रीगेशन हो जाएगी प्लेटलेट्स की, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो मोर प्लेटलेट्स को दावत देंगे, जो इंफ्लेमेटरी कास्केड को दावत देंगे यहाँ पे बाइंड होने के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्लेटलेट एग्रीगेट पे फिब्रिन कवरिंग बनेगी, इस प्लेटलेट एग्रीगेट पे फिब्रिन कवरिंग बनेगी। और जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो फिब्रिन स्ट्रैंड्स बनना ही हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉगुलेट बन रहा है या कॉगुलेशन हो रही है। और वो कॉगुलेट क्या करेगा, दैट कॉगुलेट विल ब्लॉक ऑफ दिस कोरोनरी आर्टरी एंड दैट हैज द टेंडेंसी टू डिटैच। ये कॉगुलेट डिटैच हो सकता है और यही इन द फॉर्म ऑफ थ्रोबस आगे जाके जो सर्कुलेशन है उसको हिंडर कर सकता है। तो दो टाइप के हमने यहाँ पे एथेरोमास पढ़े, वन एथेरोमा इज स्टेबल एथेरोमा, जहाँ पे एक फिब्रस कवरिंग जो एथेरोमा के अराउंड होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसके डिटैच होने के चांसेस कम है, मतलब वो वाला एथेरोमा जो कोरोनरी आर्टरी में है वो वहीं पे रहेगा एज इट इज एंड इट विल कॉज ब्लॉकेज इट इन इट्स ओन प्लेस। सेकंड इज अनस्टेबल एथेरोमा इन विच देयर इज हाई क्वांटिटी, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी होती है किसकी, मैक्रोफेजेस की, फैट सेल्स की, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, सराउंडिंग कैप्सूल है, फाइब्रस कैप है, वो ज्यादा डिप्लीट हो रही है, इरोड हो रही है। और दूसरा ये जो फाइब्रस कैप है वो स्टेबल एथेरोमा से थिन है, और जो जो थिन होती है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं रप्चर होने के। उसके बाद हमने देखा कि दो तरह से ये जो है एथेरोमा ये इफेक्ट हो सकता है, फर्स्ट इज इरोजन, फर्स्ट इज डेप्लीशन और इरोजन। व्हाट हैपेंस हियर, दिस फाइब्रस कैप स्टार्ट्स टू इरोड ऑफ एंड दिस पेज अवे तो प्लेटलेट से, प्लेटलेट्स को दावत देता है कि यहाँ पे एग्रीगेट बनाए, और वो प्लेटलेट्स बहुत सारे फैक्टर्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कैस्केड बनता है और उसके ऊपर फिब्रिन डिपोजिशन हो जाती है और ये कॉगुलेट बन जाता है। और जिस कॉगुलेट के बनने के बाद चांसेस है कि ये इरोड ऑफ हो जाए और इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बस ये सर्कुलेशन को बंद करे। सेकेंडली वी रेड फिजरिंग, फिजरिंग मीन्स जब इस इरोजन का इम्पैक्ट अंदर के कंटेंट्स तक हो और अंदर के कंटेंट्स भी बाहर आ जाए और वो वाले कंटेंट्स भी फ्लो करना शुरू करें कॉर्निया आर्टरी में, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एथेरोमा। थर्ड इज, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये जो यहाँ पे एथेरोमा बनता है, यहाँ पे न्यू वेसल्स बन, टाइनी डेलिकेट ब्लड वेसल्स बनती है जो कि इस एथेरोमा को फीड करती है, एथेरोमा को फीड करती है, इसे नरिश करती है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस और इन बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है, दीज वेसल्स रप्चर। और जब ये वेसल्स रप्चर हो जाए तो ये कहाँ पे फीड इन करते हैं, इस एथेरोमा में। तो जब ये एथेरोमा में फीड इन करते हैं तो जो रप्चरिंग की वजह से यहाँ पे हेमरेज होगी, ब्लड ऊज आउट हो जाएगा, उसकी वजह से दिस एथेरोमा विल स्वेल अप। ये जो एथेरोमा है स्वेल अप हो जाएगा, इनफ्लेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो जिसकी वजह से ल्यूमिन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। और जब ल्यूमिन का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइनल सिम्टम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम स्टैटिन जो देते हैं, लोवास्टैटिन, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं, एथोस्क्लोज में स्टैटिन देते हैं, उनका क्या काम है, दे डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस एथेरोमा। और दूसरा ये क्या काम करता है, इट आल्सो डिक्रीजेस मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस हमने पढ़े अनस्टेबल इस इन्फ्राक्ट में, अनस्टेबल एंड एथेरोमा में, उनका नंबर कम करता है। जब मैक्रोफेजेस कम नंबर हो जाएंगे तो इनके इरोजन के चांसेस या एथेरोमा के मेम्ब्रेन के डेप्लीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस भी ईज ऑफ हो जाएगी। व्हाट डज दिस स्टैटिन्स डू, दे डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस एथेरोमास एंड दे डिक्रीज द नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस।
Now we always say that in case of ischemic heart diseases, always prevent or always suggest a patient not to go for smoking. What does smoking do in case of ischemic heart diseases? जो हमने पढ़ा unstable atheromas में, यहाँ पे platelets का aggregate बनता है, adhesion बनता है, उस platelet binding capacity को smoking increase करती है. Smoking increases platelet binding affinity. तो अगर platelet binding affinity increase हो गई, means कि जो chronic या chain smokers हैं, इनके सब उनके coronary artery में कोई atheroma है, तो अगर वो एथ्रोमा डिप्लीट हुआ है तो वहां पे प्लेटलेट एक रैपिड रेट से बाइंड करेंगे और वहां पे ब्लॉकेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वहां पे इस्चीमिक चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहां पे सिम्टम्स का एग्रीवेट होना ज्यादा होता है नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एथ्रोमास, वन इज स्टेबल एंड अनदर इज अनस्टेबल. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ एथ्रोमा. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेन जो होती है अपॉन एक्टिविटी पेन इंक्रीज हो जाती है. इन केस ऑफ अनस्टेबल और रप्चर्ड एथ्रोमा, अगर हम थोड़ी सी भी एक्टिविटी करें या एक्सर्शन बॉडी पे डालें तो पेन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी ब्लॉकेज जो होती है वो ज्यादा होती है, और जब ब्लॉकेज ज्यादा होगी तो ल्यूमिन नैरो हो जाएगा, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. तो हल्के से एक्सरसाइज से, हल्के से मोशन में आने से पेशेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम है, इसलिए ऑन मिनिमल एक्सर्शन देयर विल बी पेन इंड्यूस्ड इन द चेस्ट एरिया और एंजाइना. नाउ थर्ड टाइप ऑफ एथ्रोमा, टाइप ऑफ एथ्रोमा इज एनस्टमाई और सब एंडोट्राकियल और सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट. सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट में क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी जो एथ्रोमा वॉल्स है वो रप्चर हो जाते और कंटेंट्स लीक आउट फॉर्म ए थ्रोम्बस, और यहाँ पे जो ब्लॉकेज है दैट्स ग्रेटर देन 90%. मींस यहाँ पे जो ब्लॉकेज है दैट प्रिवेंट्स एनी ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द मायोकार्डियम, और जो मायोकार्डियम की ओर ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे भी इश्चीमिया होता है. नाउ यू विल क्वेश्चन कि जो अनस्टेबल एंड एथ्रोमा है, अनस्टेबल एथ्रोमा और सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट में एथ्रोमा में क्या फर्क है. वहां पे हमने बोला था कि जो रप्चर होता है, जो इरोजन होता है, दैट प्रिवेंट्स द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द मायोकार्डियम अपॉन एक्टिविटी, और पेन इंड्यूस हो जाती है. यहाँ पे भी वैसा ही होता है, रप्चर होता है, 90% से ज्यादा ब्लॉकेज होती है, पेन इंड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में इंसान इस्चीमिक कंडीशन में मायोकार्डियल जो है मायोकार्डियम ग्रेटर देन 30 मिनट्स के लिए रहता है. The myocardial cells remain ischemic greater than 30 minutes and here infarction occurs. That means this condition is irreversible. वहां पे हमने बोला कि सिर्फ ischemia होता है, deprivation of oxygen हो जाती है. The ischemic condition lasts greater than 30 minutes and is irreversible. The endocardial athroma or athroma, the ischemic condition is irreversible or causes infarction. तो वहां पे जो pain है, angina है, it occurs at rest. अगर patient rest में भी हो तो उसको क्या हो जाती है, chest pain. Unstable में हमने क्या बोला कि upon activity pain increases. Stable में हमने बोला कि जब इंसान exercise के लिए जाता है या वो exhaustive muscle exercise के लिए जाता है या ज्यादा फटीग हो जाता है तो वहां पे पेन स्टार्ट होती है. अनस्टेबल में हमने क्या बोला कि अपॉन एक्सरसाइज और अपॉन एक्टिविटी पेन स्टार्ट्स. और तीसरा एचटीएमआई जो है वहां पे क्या हो जाता है, पेन ऑकर्स इवन एट रेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्ट और एथ्रोमा, और इसको हम बोलते हैं एचटीएमआई. इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इन्फ्रैक्ट है, यहाँ पे जो एथ्रोमा है, जो एथ्रोमा के अंदर कंटेंट्स है, जो कंटेंट्स हम कल से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे कंटेंट्स ऊज आउट हो जाते, वो कंटेंट्स बाहर आ जाते. और जब वो कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं, एक्सपोज्ड कंटेंट्स, दे फॉर्म प्लेक्स, वो कंटेंट्स ब्लॉकेज बनाते हैं, प्लेक्स बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, दे प्लग द ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई. देयर इज 100% लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब जो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है,
मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई जो जा रही है फंक्शन करने के लिए, तो वो क्या कंप्लीटली यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है। कहाँ पे? ट्रांसमरल इंफ्राक्ट में या HTEMI इंफ्राक्ट में या एथ्रोमा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एथ्रोमा कंटेंट्स है वो ऊज आउट हो गए हैं, वो सारे कंप्लीटली बाहर आए हैं और उन्होंने बनाया है प्लाक, और उस प्लाक ने क्या किया है, उस प्लाक ने 100% प्लग किया है और उस प्लग की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कंप्लीटली लॉस हो गई है। तो यहाँ पे क्या सिम्टम आएगा? हेयर पेन विल बी सीवियर एंड इंटेंसिफाइड एज इफ द पेशेंट फील्स एलिफेंट ऑन चेस्ट। तो हियर पेन विल बी सडन पायरसिंग शार्प सीवियर एंड इंटेंसिफाइड, बहुत ज्यादा पेन होगी, सीवियर होगी, पायरसिंग होगी और इंटेंसिफाइड पेयर पेन होगी, जैसे कोई हैवी एलिफेंट चेस्ट पे बैठा हुआ है। दिस वॉज द ट्रांसम्यूरल इंफ्राक्ट और HTEMI इंफ्राक्ट। सो वी विल समराइज ऑल द एथेरोमास और इंफ्राक्ट जो हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेबल एथेरोमा। स्टेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रप्चर नहीं होता है, इसकी फिब्रस कवरिंग जो है वो हार्ड होती है या अपनी जगह पे एज इट रहता है। और यहाँ पे पेन जो होती है वो तभी होती है जब ज्यादा एक्सर्शन हो या हेवी एक्सरसाइज हो। तो यहाँ पे इश्चीमिया में होता है, इंफ्रैक्शन नहीं होता है, पेन तब होती है ज्यादा जब ज्यादा एक्सर्शन हो, और यहाँ पे कोई रप्चर हमें नहीं दिखता। सेकेंड इज अनस्टेबल एथ्रोमा। अनस्टेबल एथ्रोमा में क्या होता है? यहाँ पे रप्चर है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है और 90% ब्लॉकेज हो जाती है, और पेन तब होती है इंसान को जब वो रेस्ट में भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा NSTMI और सब एंडोकार्डियल एथ्रोमा। इसमें क्या होता है? इसमें भी रप्चर होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बायलेटरल एग्रीगेशन और उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, जो NSTMI होता है वो वहां पे इरिवर्सिबल इश्चिमिया होता है, मतलब ग्रेटर देन 30 मिनट्स इश्चिमिया लास्ट करता है और वहां पे इंफ्रैक्शन भी होता है, और इसमें भी पेन तब होती है जब इंसान रेस्ट पे होता है। एंड एट लास्ट वी रेड HTEMI और ट्रांसम्यूलर एथेरोमा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सारे कंटेंट्स आउट हो जाते हैं, वो प्लग फॉर्मेशन करते हैं, प्लग करते हैं, और यहाँ पे 100% ऑक्सीजन जो है सप्लाई वो ब्लॉक हो जाती है और पेन सीवियर हो जाती है और पेन पायरसिंग हो जाती है। और जो ये तीन है अनस्टेबल, NSTMI एंड HTEMI, उनको हम कैटेगराइज करते हैं एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम इज कंपोज्ड ऑफ अनस्टेबल एथ्रोमा, NSTMI एंड HTEMI, और स्टेबल जो है वो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में नहीं आता है क्योंकि ये रप्चर नहीं होता है और इसके सिम्टम्स इतने ज्यादा सीवियर नहीं है जितने इन तीनों के है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एथ्रोमास और इन्फेक्ट्स जो कॉर्नरी आर्टरी में डेवलप होते हैं, जो इश्चीमिया करते हैं और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के कारण होते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।